नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। दोस्तों आज की जो नोटिफिकेशन आ चुकी है ITI लिमिटेड की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है। इसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको सभी चीज़ें यहाँ पर समझ में आएँ। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हम डेली बेसिस पर आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब की अपडेट प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जाकर आपको क्लिक करना है तो आपके पास इस तरीके से कुछ पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनके पास जितनी भी नोटिफिकेशन है सब आपके सामने निकल के आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। 30 अप्रैल का लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है और 15 मई इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो आपके पास टाइम है, आप आराम से इसको पूरा नोटिफिकेशन को समझ कर वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सभी चीज़ें यहाँ पर समझ में आए। तो हम यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है ना, तो हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर करना है। देखिए लाइब्रेरी ने ITI लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसी आई हुई है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है ना, तो काफ़ी बढ़िया रिक्रूटमेंट ये निकालते हैं, हमने 1 से 2 महीने पहले भी इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए 29 वैकेंसी है, जिसमें 11 अनरिजर्व्ड के लिए, EWS के लिए 3 है, OBC के लिए 8 है, SC के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी है और ST के लिए 2 वैकेंसी है। ठीक है स्टूडेंट, यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए तो यहाँ पर 7 वैकेंसी है, 3 अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए 1, OBC के लिए 2, SC के लिए 1 है और ST के लिए यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी दी गई है, जिसमें 3 अनरिजर्व के लिए हैं और 1 OBC के लिए है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है और आपकी कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो नील लिखा हुआ है इसका मतलब है कि कोई भी वैकेंसी इन पोस्ट के लिए नहीं है। ठीक है, कैटेगरी वालों के लिए कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए हाई स्कूल और इसके इक्विवेलेंट आपने किया हुआ है, 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है ना, 60% का क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अनरिजर्व एंड OBC कैंडिडेट के लिए, एंड 55% का क्राइटेरिया दिया हुआ है SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं आपको कितना यहाँ पर पेमेंट मिलने वाला है, इसके पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है द कंपनी इज लुकिंग फॉर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर, जिन्होंने डिप्लोमा के साथ इंजीनियरिंग की है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, 5 साल का आपका यहाँ पर पीरियड होने वाला है, इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर आपका परफॉर्मेंस पर, आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर ये कंपनी आपको आगे भी वर्क दे सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पेमेंट मिलने वाला है 19,019 रुपये। ये है 19,000 रुपये आपको सैलरी यहाँ पर होने वाली है, जिसमें आपको VDA HRA भी दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी की तरफ से कुछ आपको अलाउंस पर्क्स वगैरह भी दिए जाएंगे। बात करते हैं अपर एज लिमिट की, तो यहाँ पर मिनिमम एज 18 साल दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स का रखा गया है और रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपको यहाँ पर 5 ईयर्स का SC ST PWD एक्स सर्विस स्टूडेंट के लिए। ठीक है स्टूडेंट, 3 ईयर का OBC वालों के लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका पहले स्क्रीनिंग होगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन होगा आपका इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट के आधार पर। ठीक है, मतलब आप जो रिटर्न टेस्ट देंगे उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जनरल कंडीशन की, इसको आप फॉर्म को फिलआउट करने से पहले देख लेना है, पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और बता देते हैं कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर करना है। अब बात आती है सबसे पहले कि आपको यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करना है। देखिए स्टूडेंट, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी ITI लिमिटेड की, वहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे अप्लाई लिंक पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट आपको डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, 15 मई इसकी लास्ट डेट है, इसकी आपको ध्यान में रखना है। इसके पहले आपको सब चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ पर कर लेना है। तो आई होप आपको आज की पूरी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किया था तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, इससे आने वाली जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।